हाँ, go for it मम्मी, देखते हैं जीतता कौन है। अरे मम्मी जल्दी 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 मम्मी जल्दी। अरे 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 मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बात करनी एंड केम टू माय वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज अदर शेखर एंड वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ तरह जी रहे होंगे। तो आज थर्सडे है, सब पूजा हो चुकी है, देख रहे हो आपको येलो पहना हुआ है। एज यूजुअल मैं हर बार थर्सडे यही बात कहता हूँ, इसी तरह शुरुआत करता हूँ, पर ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि मैं थर्सडे को बृहस्पति भगवान की पूजा करता हूँ, सो येलो जरूर पहनता हूँ और टीका लगाता हूँ। और थर्सडे को दूसरा क्या होता है, मेरा म्यूजिक क्लास। गुड न्यूज़, गुरुजी इज बैक, तो आज से मेरा म्यूजिक क्लास वापस रिज्यूम करेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, इज बैक फ्रॉम लंदन। गुरुजी अभी अपने बेटे के पास गए हुए थे लंदन, सो काफ़ी दिन से मेरा क्लास नहीं हो रहा था। इनफैक्ट 1.5 महीने हो गया मैंने क्लास नहीं किया, जैसे 2 महीना हो गया होगा मैंने क्लास नहीं किया था। तो कल गुरुजी का मैसेज आया कि बेटे मैं वापस आ गया हूँ, तो क्लास करेंगे आज शुरू। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, शाम को क्लास होगा और गुरुजी से बातें होंगी ढेर सारे। और अब मैं किस ईयर में गया, फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर का कोर्स आज से शुरू करूँगा। प्रेटी एक्साइटेड फॉर इट। मैंने आज उनको बताया कि मैंने आपके सिखाए हुए मार्गदर्शन किए हुए रस्तों पर चल कर वो इवेंट किया, जैसे आपने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करके, तो बहुत खुश हुए। और आज मुझसे पक्का बोलेंगे कि मुझे 1-2 सुनाइए और मुझे फीडबैक ही मिलेगा, ठीक है ना, कान पकड़ी जाएगी आज। जब यू में उछल रहा हूँ ना, ये सेटल हो जाऊंगा। एनीवेज देखते हैं गुरुजी का फीडबैक क्या होता है। गुरुजी का फीडबैक हमेशा अच्छा होता है और उनकी दी हुई चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ और फॉलो भी करता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी गुरु को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसका दिया हुआ ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुझे लग रहा था कैमरा एंगल थोड़ा नीचे है, तो मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि आपसे आराम से क्लोज आके बात कर सकूँ। सो ये मेरा पॉलिसी है कि जो भी गुरु ने सिखाया है उसको अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, मैं पूरा रियाज करके, पूरा रिहर्सल करके, पूरा तैयारी करके जाता हूँ, क्योंकि गुरुजी एक बार सिखाते हैं दूसरे बोलते हैं बेटा सुनाओ, और मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। तो वो उनका मांग होता है और बहुत मजा आता है इस तरह से, अच्छा से वो समझाते हैं कि हाँ ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे। तो आज मैं प्रेटी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज शाम को तो म्यूजिक क्लास होगा। और साथ ही एक और एक्साइटमेंट चीज़ है, आपको मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि मैं कुछ हेल्थ रेजीम वगैरह फॉलो करता हूँ, और मेरे एक इंस्ट्रक्टर हैं जो कि मुझे ऑनलाइन बहुत सारे टिप्स देते हैं और मुझे हेल्प करते हैं, मोहसिन भाई। तो मोहसिन भाई आज आ रहे हैं और मोहसिन आज यहीं रहेंगे और हम लोग साथ एक हफ्ते हमारे साथ रहेंगे। और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा रूटीन को वापस से वो ट्रैक पर ले आए और मुझे हेल्प करें आप इन सारे एक्सरसाइजिंग को वापस से रीगेन करने में, क्योंकि मैं क्या ना बहुत दिन के बाद छूट जाती है और छूट जाते मैं भूल जाता हूँ, तो क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व जाता हूँ, तो जिमिंग का मेरा स्केड्यूल पूरा मिसअप हो जाता है। और अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा असाइनमेंट चेंज हो गया है, तो मैं अब रात को ज़्यादा रहता हूँ, तो मुझे बस सुबह काफ़ी टाइम रहता है, तो मैं आराम से अभी जिमिंग करूँ, क्योंकि सुबह तो नींद खुल जाती है आपको पता है। सुबह रियाज किया, आशी को छोड़ के आया, उसके बाद मेरे पास वॉक वगैरह करने के बाद टाइम बहुत बचता है, तो अब जिमिंग करूँगा। तो मैंने सोच लिया है कि सुबह सुबह जाके अब जिमिंग करूँगा। तो मोहसिन भाई आज रात को आ रहे हैं, निशान भाई भी आ रहे हैं साथ में। निशान भाई भी एक इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, हर्बल लाइफ में दो इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। अगर आप लोगों को भी सीखना है, मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लो। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाइट न्यूट्रिशन बताते हैं, हेल्थ रिज्यूम बताते हैं, गुड हैबिट्स बताते हैं, प्लस एक्सरसाइज तो खैर कराते ही हैं।
बहुत इंतजार है, उनकी बॉडी शॉडी भी अच्छी है। तो आज वो मिलेंगे तो आपको दिखाऊंगा किस तरह दोनों भाई आके बताएंगे। निशांत भाई तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे हैं। ये निशांत भाई का पहले का फोटो देखेंगे ना, बहुत हेल्दी हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया और वेल बिल्ट हो गए। मोहसिन भाई तो खैर एस्टैब्लिश्ड ट्रेनर है वो तो। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट बोथ ऑफ देम। तो आज आ रहे हैं पटना में ही दोनों, तो आज पटना से आ रहे हैं और शाम की फ्लाइट है, तो शाम को मिलेंगे आफ्टर ग्रेजुएट क्लास वो स्टडी पहुँच जाएंगे तब तक के लोग, तो मिलूंगा शाम को उनसे। तो आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। तो चलिए अभी ऑफिस से काम करेंगे और करते हैं आज दिन की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अब ब्रेक लूँगा ऑफिस से थोड़ा सा, अभी लंच भी नहीं किया, थोड़ा सा लंच भी करूँगा, उसके बाद गुरु जी का क्लास ज्वाइन करना है। सो वेरी एक्साइटेड, आज गुरु जी का क्लास बहुत दिनों बाद हो रहा है। सो ये फटाफट लंच करते हैं और गुरु जी का क्लास ज्वाइन करते हैं और बातें करते हैं, देखते हैं आगे कैसा क्या करना है। तो चलो जी फटाफट, क्योंकि मेरा बहुत बिजी रहा अभी आज तक, अभी तक तो लगातार बैक टू बैक केटीज में था, तो लंच का भी टाइम नहीं मिला। आशी को लेकर आया बीच में, मैं कॉल पर ही था, कॉल पर ही गया, सो लेकर आया, फिर कॉल में कंटिन्यू किया। तो मैंने थोड़ा लंच बाद में करता हूँ, तो अभी लंच करूँगा। लंच तो आप तो पता ही है कि मैं थोड़ा सा शुगरलेस टाइप लंच कर रहा हूँ, शुगर कंट्रोल लंच कर रहा हूँ। तो कार्ब बिल्कुल छोड़ा हुआ है, राइस रोटी बिल्कुल छोड़ी हुई है, केवल दाल और चने खाऊँगा, और साथ में क्या था आज सब्जी जो भी बनी हुई तो खाऊँगा, बस दैट्स माई लंच। शाम का देखते हैं, शाम को फिर से कुछ प्लान करेंगे। सो चलो जी फटाफट भागते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद गुरु जी का क्लास ज्वाइन करते हैं। भाग भाई, मज़ा आ गया आज गुरु जी का क्लास करके। इस महीनों बाद, मतलब 2 महीने बाद आज गुरु जी का क्लास किया, बहुत मज़ा आया, मतलब अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और गुरु जी से मिल के भी बातें करके भी अच्छा लगता है, सो इसलिए भी और भी अच्छा लग रहा था। और गुरु जी ने पूरा अच्छे से टेस्ट लिया मेरा, एक एक राग मरोड़ के देखा मेरे को, कान मरोड़ के, ऐसे मरोड़ के, ऐसे ऐसे करके देखा। तो बाकी जो मैंने रियाज किया था, पकड़ गया था, एक राग में मिस कर गया था और उन्होंने पकड़ लिया तुरंत। तो खैर बहुत स्वीट है बेचारे, बहुत कुछ कहते नहीं है। तो कोई और होता तो इतना डांट लगाता ना कि मैं इतने प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। इस राग को मैं भूल ही गया था, एक्चुअली मिस कर गया था। इनफैक्ट रियाज करता हूँ बाकी राग को, लेकिन इस राग को मिस कर गया था। जैसे मैंने कल बताया था, कल पूरा पुराने राग को मैं बैठ के रियाज कर रहा था, पर आज मतलब इस राग को संभव में मिस कर गया था। प्रिंट आउट जो लिया था ना, वो गलती से मिसप्लेस हो गया था। सो बट गुरु ने पूरा पेशेंस रखते हुए मुझे सिखाया कि नहीं नहीं ऐसे करें, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, और उन्होंने बहुत प्यार से समझा दिया। सो फिर से करेंगे, फिर से इसको सीखेंगे और अगली बार के लिए तैयार करके आना है। बाकी 2 राग जो उन्होंने टेस्ट लिया वो मेरा तैयार था, एक राग मेरा मिसिंग था। सो अभी तैयार करके जाऊंगा अच्छे से और गुरुजी को टेस्ट दूंगा फिर से। अच्छा है ना, यही होता है, गुरु होने का फायदा होता है, गुरुजी आपको हमेशा टेस्ट करते हैं। गुरु गुरु होता है, चेला चेला कितना भी कर ले, चेला चेला ही नहीं जाता, गुरु गुरु होता है, तो पकड़ लेते हैं आराम से। एनीवेज चलो गाइस, तो वापस अभी लगते हैं ऑफिस में, क्योंकि अभी बहुत सारे काम निपटाना है, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। तो अभी लगते हैं वापस से काम में और फिर आपसे बातें करेंगे। फिलहाल तो बस दिल गार्डन गार्डन हो गया ना गुरु जी से बात करके, तो वही तो बताना था आपको, है कि नहीं? आपसे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। चलिए अभी फिलहाल वापस से लगते हैं ऑफिस में, फिर आपसे बात करेंगे। आज मम्मी बहुत खुश है क्योंकि आज मम्मी का नेनुआ आ गया पटना से। तो ये एक वेजिटेबल, इसको कहते हैं नेनुआ, ये बिटल गॉड है, क्योंकि यहाँ पर अलग तरह का मिलता है और पटना में अलग होता है, नॉर्थ में अलग तरह का होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो दिल्ली गल जाता है और नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यहाँ। तो अभी मोहसिन सर आए थे तो वो लेकर आए थे के लिए, तो मम्मी अभी बैठ के उसको पूरा छिल कर बैठी हुई है, सब्जी बनेगा अभी उसका। डैडी को देखो, डैडी का फेवरेट मूंगफली बना गया आज, तो उसे इकट्ठा करके रख रहे। ये निशांत भाई, हेलो। ये मोहसिन सर, तो मैंने आपको बताया था कि आज सब आने वाले हैं और मैं सुबह से इसलिए एक्साइटेड था कि आज मोहसिन सर मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं
और दे रहे क्या दे रहे थे बहुत दिन से, लेकिन मैं बहुत लेजी आदमी मैं फॉलो नहीं करता, कभी करता हूँ फिर बीच में गच्चा मार जाता हूँ। पर मोहसिन सर को इसलिए आए हैं कि आज मेरे डंडा करेंगे, मेरे को थोड़ा ट्यूनिंग सर्विसिंग मेरा होने वाला है इस बार। और मोहसिन सर से सीरियस नोट, मोहसिन सर से पूरा मैं लेने वाला रूटीन, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मोहसिन सर से पूरा रूटीन लूँगा और अपने रूटीन को सही करना है, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इंस्पिरेशन के लिए इनसे अच्छा कौन होगा, ईशान सर आप देख रहे हो इनकी बॉडी, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, इनका वेट 110 केजी था और अभी कितना है? 70s में 40-40 के आसपास हुआ करंट वेट। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बोलना कुछ है ही नहीं मेरे लिए मतलब इज प्योरली एन इंस्पिरेशन। मैं पिछली बार भी इनसे मिला था तो मैं इनको विश्वास नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने इनका फोटो देखा था पहले, पिछली बार भी बैंगलोर आए थे तो ये हमारे साथ रुके थे, और तब इनको देखे मैं एकदम आश्चर्य में आ गया था कि ये क्या है, मतलब एकदम चेंज हो गए थे। सो वही मैं भी इनसे हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि किस तरह हम लोग रूटीन फॉलो करेंगे, क्या करेंगे कि हम लोग का वेट का बैलेंस हो जाए, और मैं आपके लिए भी कुछ टिप्स ले रहा था इनसे। सो अभी आप लोग देखोगे कुछ दिन, मैं अभी आपको दिखाता रहूँगा। अभी थैंकफुली मोहसिन सर और निशान भाई यही रुके हैं हमारे यहाँ, डेफिनेटली। सो डेफिनेटली इनसे बहुत हेल्प लूँगा और बहुत कुछ हमें सीखना है। और आप लोगों पर लिंक डालूंगा, हर्बल लाइफ अगर आप करना चाहते हो कोर्स वगैरह तो मोहसिन सर का कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मैंने खुद किया हुआ है और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इनसे। कि सुबह सुबह उठ के मैं करता था, मैं और आकांक्षा दोनों करते थे इनफैक्ट, उसके बाद से हमारे बीच में लॉकडाउन वगैरह में रूटीन ही लिया और पूरा छूट गया, लेकिन दोबारा मुझे वो शुरू करना है, इसलिए मोहसिन सर से आज मैं रात को बैठ कर मैं गप्पे शप्पे मारेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू। तो चलिए आज कल आपको मिलाऊंगा उनसे और दिखाऊंगा मैं इनका, एक्चुअली मैं एक स्टोरी दिखाऊंगा इनका, इनकी इनकी जर्नी मुझे दिखानी है आप लोगों को कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और आप लोग भी टिप्स ले सकते हो इनसे। फ्रेंड्स, तो शाम के 9:30 बज रहे हैं, मतलब रात के 9:30 बज रहे हैं, शाम के कभी 9:30 नहीं बज सकता, रात का ही होता है रात के 9:30 बज रहे हैं। और अभी आप लोग का ब्लॉग एडिट कर रहा था, सो ये ब्लॉग आप देखोगे कल, इसलिए मैं एडिट करके आज डाल देता हूँ एक दिन पहले। तो 7 बजे डेली मेरा ब्लॉग आता है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो 7 बजे जाके चेकआउट करो और डेली देखो मेरा ब्लॉग और बताओ कैसा लगेगा। तो अभी जैसे कि आप लोग देखा, मोहसिन सर और निशान सर आ गए हैं, तो आज उनसे बैठ के खूब सारी बातें चाहती होंगी, और कल तो उनकी छुट्टी है तो कल बैठ के हम लोग खूब सारा डिस्कशंस करेंगे और इनसे टिप्स लूँगा मैं, फिटनेस टिप्स, क्योंकि मोहसिन सर मेरे ट्रेनर भी हैं, सो बहुत हेल्प करेंगे मुझे, मुझे पता है ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। जो लोग उनसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उनसे आप ट्रेनिंग दे सकते हो, हर्बल केयर लाइफ में वो एम्प्लॉयड भी हैं, सो अगर आप उनसे पर्सनल ट्रेनिंग भी ले जाते हो दे सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं, तो आप कैसे कभी भी कर सकते हो, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी कंट्री के पार्ट में क्या बोल रहा हूँ मैट, कंट्री के किसी भी पार्ट में हो तो उनसे ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए ब्लॉग भाई आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं भाई दोस्तों, और कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आप लोग यहाँ से जुड़े और अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन चैनल को जरूर क्लिक कर देना, और मैसेज करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। अंटिल वी मीट टुमारो, एज ऑलवेज सेड, वर्क हार्ड फॉर योर पैशन, बिकॉज देन योर ड्रीम्स विल डेफिनेटली फॉलो यू। जय हिंद।